राजस्थान पुलिस के द्वारा आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए निरंतर तैयारियां की जा रही है। राजस्थान में दो फेज में लोकसभा चुनाव आयोजित किए जाएंगे, पहला 19 अप्रैल को और दूसरा 26 अप्रैल को किया जाएगा। हम लोगों ने इसकी तैयारी पिछले 2 माह से लगातार कंटिन्यूसली कर रहे हैं। मार्च 7 से हमारे पास में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की 25 कंपनीज अवेलेबल हो गई थी। उन 25 कंपनियों को हमने राजस्थान की जो 25 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उन सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भिजवा दिया है। हर एक जगह के ऊपर हमारी जो लोकल पुलिस ऑफिसर्स हैं, SHO, DYSP, एडिशनल SP, और काफी जगहों पर SP, उन सेंट्रल पुलिस आर्म पुलिस फोर्स के साथ में फ्लैग मार्च कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स वहां पे कर रहे हैं, जिससे कि जो वल्नरेबल सेक्शन है, गरीब तबका है, कमजोर तबका है, जिनमें किसी प्रकार का भय व्याप्त हो, तो उनको भरोसा दिलाया जा सके कि संपूर्ण फोर्स यहाँ पे मौजूद है और हर एक एफर्ट किया जाएगा कि हर सूरत में चुनाव राजस्थान में भय मुक्त, एकदम ट्रांसपेरेंट एंड फ्री एंड फेयर हो। उसके अलावा आपराधिक तत्वों पे निरंतर शिकंजा कसा जा रहा है। डे टू डे बेसिस के ऊपर हम लोग मॉनिटर करते हैं कि नॉन अवेलेबल वारंट्स में राजस्थान के कितने क्रिमिनल्स को हम पर डे गिरफ्तार कर रहे हैं। इसके अलावा इलीगल आर्म्स में जो डील करते हैं उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करी जा रही है। जो शराब की तस्करी करते हैं, शराब का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह और जो इलेक्शन प्रोसेस को अफेक्ट कर सकता है, या नार्कोटिक ड्रग्स को मूवमेंट होता है, जैसे अफीम है, गांजा है, डोडा पोस्ट है, इनके ऊपर हमारी निरंतर निगरानी जारी है।